दोस्तों, ये आईटेल का 5607 मॉडल का मोबाइल है और इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये सेट जो है डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया था, तो इसमें जो है बूट ले रहा था, लेकिन इसका जो है सॉफ्टवेयर चढ़ने जो है ये फेल्ड हो जा रहा था। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसका बैटरी का वोल्टेज आप देख सकते हैं, वोल्टेज जो है इसका 4.02 है, जो कि 80 का लो है, जो कि इसका 4.20 होना चाहिए था कम से कम। तो बैटरी जो कि ये चार्ज नहीं है, और फिर भी देखते हैं कि ये सेट ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बैटरी लगाने पर सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं दूसरा बैटरी लगाते हैं इसमें, और आपको दिखाते हैं चेक करके कि ये जो है सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास जियो का फ़ोन का जो है बैटरी है, तो इसको हम लगा के इसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी हमने लगा के चेक किया, यहाँ पे ये जो है ऑन नहीं हो रहा है सेट। और चलिए देखते हैं बैटरी का वोल्टेज, बैटरी कितना चार्ज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी जो कि फुली चार्ज है, 4.78 है, तो फिर भी सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका जो है मोबाइल का हम एक बार शॉर्टिंग चेक करते हैं, और शॉर्टिंग निकालते हैं कि सेट में शॉर्टिंग है क्या, जिसकी वजह से जो है सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है सेट को चेक किया, यहाँ पे सप्लाई बराबर है, और अब इसका हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है मोबाइल का 1% यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। और तो चलिए अभी इसका हम अब आगे का चेक करते हैं। तो अभी हम इसका जो है ये कीपैड का बटन निकालेंगे, और फिर से जो है चार्जिंग जो जैक लगा है इस पर काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्जिंग का जो जैक है इसको निकालेंगे, और निकाल के कभी कभी जो है प्रॉब्लम होता है कि जो चार्जिंग पिन की वजह से भी सेट ऑन नहीं होता है, और ऑन हो भी जाता है तो इसका कीपैड वर्क नहीं करता। तो उसके लिए हम जो है ये जो कीपैड है इसका जो है हम चार्जिंग पिन का निकालेंगे, और फिर इसको जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम चार्जिंग का वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, ताकि ये ना बाद में चले कि चार्जिंग पिन का वोल्टेज कम आ रहा था इसलिए चार्जिंग नहीं हो, सेट ने ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए एक बार हम इसको जो है चार्जिंग पिन को लगा के इसका हम बैटरी पर इसका कितना वोल्टेज आ रहा है और आउटपुट तो चेक कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो इसका बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 5.12 आ रहा है, जो कि सही है। और फिर एक बार बैटरी को हम लगा कर चार्जिंग चेक करते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये चार्जिंग भी नहीं उठा रहा है। और तो अभी हम क्या करेंगे इसको कि इसका जो चार्जिंग का पिन है इसको रिमूव करेंगे, और फिर जो है सेट को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका चार्जिंग पिन को निकाल करके आपको दिखाते हैं, और फिर जो है चेक करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम एक और इसमें हम चेक कर लेंगे कि इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है उस पर हमको सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, 4.7 का। ओ 3.7 का 4 तक इसका जो है इसमें वोल्टेज आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 इसका आ रहा है ऑन ऑफ स्विच पर, जो कि सही है। तो फिर भी सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम इसका जो है चेक करेंगे इसमें चार्जिंग पिन को निकाल कर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका हम चार्जिंग पिन को निकालते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा चार्जिंग पिन था इसका हमने निकाल दिया है, और इसको थोड़ा अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, और फिर से हम इसमें इसको जो है चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जो हम इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, और अब फिर हम इसमें जो है बैटरी को लगा कर जो है चेक करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसमें बैटरी को इंसर्ट किया और सेट को ऑन कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सेटी जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम इसको जो है आईसी के ऊपर हम इसका जो है देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लेट लगा हुआ है, इसको हम निकालेंगे और इसके अंदर में हमको पावर आईसी मिलेगा, जिसमें जो कि वो कंप्लीट आईसी रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो है ये ढक्कन को निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसको हमने निकाल दिया है इजीली। और ये जो हमारा देख सकते हैं आप, इसमें ये पावर आईसी है, ये वाला बड़ा वाला। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा पेस्ट लगा के इसको अच्छी तरीके से हीटिंग देंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रिवॉल्विंग का काम करता है। तो हो सकता है कि सेटी गिरा हो और जिसकी वजह से इसका जो है बॉल से जो है ब्रेक हो गया हो। तो कभी काल सेट कस्टमर बोल रहा था कि ऑन भी हो जा रहा था, लेकिन जो है वैसे इस पर खड़ा रहता था। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से हीट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको चालू करके कि ये जो इसमें प्रॉब्लम था वो सही हुआ कि नहीं। तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं फिर आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सेट के आईसी को अच्छी तरीके से हीटिंग दे दिया है ताकि जो इसमें बॉल्स क्रैक हो सही हो जाए। तो अभी थोड़ा प्लेट को हम नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद फिर इसको जो चेक करते हैं बैटरी लगाकर। तो दोस्तों देखिए जो है इसमें हम जियो का बैटरी लगा कर चेक कर रहे हैं, जो कि हमारा आईटेल का जो बैटरी था वो चार्ज नहीं था। तो देखिए ये देखिए हम सेट को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए सेट जो है ऑन हो चुका है और अभी देखते हैं इसका फंक्शन बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेट था हमारा वो ऑन हो चुका है और ये देखिए इसका फंक्शन भी बराबर वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ।